आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोविड संक्रमण की तीसरी वेव के चलते लगे प्रतिबंधों के बावजूद मकर संक्रांति पर चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत तीर्थ स्थलों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बता दें कि देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोविड 19 संक्रमण के चलते सरकारें एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है और रोज नई गाइडलाइन जारी हो रही है, तो वहीं प्रशासन भी नियमों का पालन कराने में मुस्तैद नजर आता है। लेकिन बात जब महामारी और आस्था की हो तो आम जन आस्था को ही प्राथमिकता देते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सतना जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल दरभंग मुनि में नजर आई। शुक्रवार 14 जनवरी मकर संक्रांति पर रामपथ गमन मार्ग स्थित सरभंगा ऋषि की तपोस्थली सरभंगा में भी श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार जितना फल 7 बार गंगा स्नान करने के बाद मिलता है, उतना ही फल 1 बार सरभंगा जाने से प्राप्त हो जाता है। सरभंगा आश्रम में आज मकर संक्रांति पर लगने वाला मेला तो नहीं लगा, किंतु सुबह से ही भगवान श्री राम के अनुयायियों की आवाजाही शुरू हुई, जिन्होंने यहाँ की मान्यता के अनुसार पहले कुंड में स्नान करते हुए राम जानकी के दरबार में मत्था टेक कर मनोकामनाओं की अर्जी लगाई। मजगवा से आलोक गर्ग की रिपोर्ट। इस सरभंग मुनि आश्रम पर आए हैं और कहा जाता है कि सरभंग मुनि तब तक अपने प्राण को रोक करके रखे थे जब तक वो श्री राम जी के दर्शन नहीं कर चुके। अतः वो श्री राम जी के दर्शन करने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, कुंड पर स्नान करते हैं, इसके बाद दर्शन करते हैं। एक कहावत है कि 7 बार गंगा तो 1 बार सरभंगा। 100 बार हर वर्ष की तरह यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता था। सरभंग मुनि आश्रम काफ़ी पुराना तीर्थ स्थल है। यहाँ पे 2 तीर्थ स्थल है, एक धारकुंडी आश्रम, एक सरभंग मुनि आश्रम, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक हर साल की तरह इस साल भी आ रही हैं, लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए 144 जिले में लागू है, जिसका पालन करने के लिए सभी पुलिस बल यहाँ तैनात है। पब्लिक को समझाया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और कोरोना से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में बात कर इस बात को फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमें कोरोना से बचना है और सभी गाइडलाइन सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है। उसी के अनुरूप हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जनता काफ़ी सहयोग कर रही है और समझ रही है इस बात को और गाइडलाइन का पालन करने में सहयोग कर रही है, तो हम पूरा करते हुए अभी ड्यूटी में तैनात हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।